कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसी के चलते एसडीएम हमीरपुर चरणजी लाल चौहान भी शहर में घूमकर पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही लोगों को पेश आ रही परेशानियों पर भी गौर फरमाया जा रहा है। हमीरपुर बाजार में एसडीएम चरणजी लाल ने दौरा कर पूरी स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम चरणजी लाल ने कहा कि आपदा की घड़ी में सभी को पास देना मुश्किल है, इसलिए जिस किसी को भी बहुत जरूरी हो उसी को पास दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस को हराने के लिए सभी साथ दें, तभी बच सकते हैं। मैं उपमंडल हमीरपुर के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि जो COVID-19 का सबसे बेहतरीन उपचार यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि अब कल से कर्फ्यू टाइमिंग में भी ढील दी गई है। अब सात बजे से लेकर 1 बजे तक जो दुकानें खुली रहेंगी, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सफिशेंट मात्रा में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, आप लोग दूरी बनाए रखें और पैनिक ना करें और दुकानों में इकट्ठा ना हो, और जो भी सामान है आप जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही खरीदें। सर, एक पासिस के लिए कल मैंने SHO साहब से, आपके DSP मैडम से और SP साहब से भी बात की है। इस संदर्भ में जो एसेंशियल कमोडिटी से जो डील करते हैं उनको पासिस की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है उनको हम अलाव कर रहे हैं, और सबको पासिस देना भी पॉसिबल नहीं है। किसी को अगर कोई बहुत ज़्यादा समस्या है तो हम पास उसी को दे रहे हैं।